हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फोन उठाओ। हेलो दया। हाँ, कौन बोल रहा है? दया, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। हेलो दया। कार्तिक? अरे कार्तिक, इतने सालों बाद। दया, मेरी बात सुनो। हेलो दया। क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? वहाँ डामरपुर फॉरेस्ट रिजर्व में सब ठीक है ना? दया, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ कार्तिक, बोलो। हेलो। हेलो कार्तिक, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो सर, सब ठीक है? पता नहीं, मेरे दोस्त कार्तिक का फोन था। डामरपुर फॉरेस्ट रिजर्व में वो ऑफिसर है, काफी घबराया हुआ लग रहा था, ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा, शायद नेटवर्क का इशू है। बस उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो उसके साथ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक के साथ जरूर कुछ हुआ है। एक बार उससे फोन पे बात कर लो तो मन शांत हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है ना कि डामरपुर फॉरेस्ट में नेटवर्क अच्छा ना, उसकी वजह से कार्तिक बात कर रहा था तो तुम्हें लगा वो घबराया हुआ है, है? सर ये रहे डामरपुर फॉरेस्ट के इमरजेंसी लैंडलाइन नंबर, शायद इनमें से कुछ लग जाए। हेलो, कार्तिक कुमार से बात कर सकता हूँ मैं? अगर आप उनके अंतिम संस्कार के बारे में पूछ रहे हैं तो वो आज ही किया जाएगा। उनके कोई फैमिली मेंबर नहीं है, इसलिए सब कुछ हमने अरेंज किया है। क्या अंतिम संस्कार? हेलो, मैं सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर कार्तिक कुमार की बात कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ, मैं उन्हीं के अंतिम संस्कार के बारे में बात कर रहा हूँ सर। आज ही सुबह एक आदमखोर चीते के अटैक में उनकी मौत हो गई है। हेलो, आप
आप सुन रहे हैं? हेलो सर। दया, किसके अंतिम संस्कार की बात कर रहे हो? कार्तिक के? सर, कार्तिक वो एक आदम को चीते ने उस पर हमला किया, मर गया सर। माय गॉड। सर मुझे अभी डामरपुर जाना होगा। ठीक है पंकज, तुम जाओ दया के साथ। दया सर। हाँ? ये कार्तिक क्या आपका बहुत पुराना दोस्त था? हाँ, मैं 14 साल का था जब मैं उससे मिला था। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उस वक्त वो मेरा सबसे करीबी दोस्त था। बहुत ही साफ दिल का लड़का, जानवरों से प्यार करने वाला, जानवरों की परवाह करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, हमेशा नेचर और जानवरों की भलाई की बात किया करता था। एक बहुत ही नेक दिल इंसान। कार्तिक बोल तो सही, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सब बताता हूँ दया, तू चल। कार्तिक, तुमने कैंटीन से बिस्किट और खाना इसके लिए चुराया था? हाँ, हमारे पास तो कैंटीन है और रात को खाना भी मिल जाएगा, लेकिन इनके पास तो ना ही कैंटीन है ना ही कोई कुक। ये तो बेसहारे और बेजुबान है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि जानवरों से इतना प्यार करने वाला इंसान जानवरों के हाथों मारा गया। आइए सर। सर ऑफिसर कार्तिक की मौत हादसे के वक्त ही हो गई थी और इस बात का आपकी तरह हमें भी बहुत दुख है। सर हमें अच्छा लगा आप यहाँ आए। कार्तिक के पास वैसे भी कोई फैमिली नहीं थी जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो पाते। ये पूरी तरह चीते का किया हुआ हमला है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और आप भी समझ सकते हैं क्योंकि आखिर आप भी CID ऑफिसर हैं। मैं यहाँ एक CID ऑफिसर की हैसियत से नहीं, कार्तिक का दोस्त बन के आया हूँ। ऐसा लगता है जैसे हमारे दामरपुर फॉरेस्ट में हादसों की एक लहर सी चल पड़ी है। अभी 2 हफ्ते पहले ही हमारे एक और ऑफिसर भूषण भी एक हादसे का शिकार हो गए हैं। क्या आए दिन ये चीता यहाँ पे इंसानों पे अटैक करते हैं? सर आए दिन तो नहीं, लेकिन उस आदमखोर चीते का खौफ जरूर फैल चुका है। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि भूषण की मौत इस आदमखोर चीते की वजह से हुई है। मतलब ये सर कि भूषण के बॉडी में एक अजीब तरह का इन्फेक्शन फैल चुका था जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन सर अभी तक हमें इन्फेक्शन और मौत की असली वजह पता नहीं चल पाई। क्या मैं भूषण की बॉडी देख सकता हूँ? श्योर सर, आइए। सर ये है फॉरेस्ट ऑफिसर भूषण की डेड बॉडी। भूषण के बॉडी पर कोई दवा काम नहीं कर रही थी, हमने बहुत कोशिश की बचाने की। बेहोशी की हालत में पता नहीं अजीबोगरीब बातें बोले जा रहे थे। हाथी आया, चीता भी आया, मेरे को मार डालेंगे सर, बहुत दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि ऑफिसर भूषण किसी जहरीले और या भयंकर एलर्जी चीजों के कॉन्टेक्ट में आ गया था जिसका असर सीधा इनके दिमाग पर हुआ। कुछ देर पहले बेचैनी और दर्द से इनकी मौत हो गई। मेरे दोस्त कार्तिक की मौत हुई है चीता के हमले से और इस भूषण की मौत और भी पत्थर तरीके से। इसका मतलब है
जंगल में कोई ऐसी जहरीली चीज है जिसके वजह से इसकी मौत हुई है। और आप लोग फॉरेस्ट ऑफिसर होने के बावजूद आप लोगों को पता नहीं चला कि जहरीली चीज क्या है? और ये सब पिछले दो हफ्तों के बीच में हुआ है, और इससे पहले ऐसे कुछ हुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि इन दोनों मौतों में कोई ना कोई कनेक्शन है। हम लोग वो जगह देखना चाहते हैं जहां पे कार्तिक की लाश मिली थी आप लोगों को। हम लोग मानते हैं कि उसकी मौत चीता के हमले से हुई है। हम लोग ऐसे एक बार वो जगह देखना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नो सर, बस जगह थोड़ी खतरनाक है इसलिए। चलिए सर। आइए सर। जानवर अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता तो उसी जगह उसका इंतजार करता है या फिर चला जाता है, मगर दरवाजा तोड़ के ये बहुत अजीब है सर। ये दरवाजा चीता ने तोड़ा है? हाँ सर, पॉसिबल है। अगर एक शेर या चीता जैसा ताकतवर जानवर भूखा हो तो वो आसानी के साथ दरवाजा तोड़कर अपने शिकार पर अटैक कर सकता है, और एक चीता ने ऐसा किया है। उसने कार्तिक को मारा और उसके बाद घसीट कर उसे शेड से बाहर ले गया जहाँ पर हमें उसकी बॉडी मिली। सर एक्चुअली ऐसे हादसे पहले भी रिपोर्ट किए गए हैं कि जानवर दरवाजा या खिड़की तोड़ सकते हैं अगर वो भूखे हो या काफी गुस्से में हो तो। सर क्या आपको अभी भी कोई शक है? नहीं, कोई शक नहीं है। अच्छा ये बताइए कि कार्तिक के बॉडी का पोस्टमार्टम तो किया गया ना, और भूषण का ब्लड एनालिसिस भी? हाँ, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि हमें ये रिपोर्ट्स हमारे रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए। हम मानते हैं कि ये चीता नहीं किया है। हाँ, व्हाई नॉट। मैंने कार्तिक के बॉडी को एग्जामिन करके पोस्टमार्टम किया है। वैसे कार्तिक के बॉडी में जानवर के बोन्स और दांतों के निशान मिले हैं। मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार रखी है। ओह, गुड। पंकज सर, डॉक्टर अभय से तुम ये रिपोर्ट्स और बाकी के सैंपल्स लेके मुंबई चले जाओ, और तुमको पता है ना उसका क्या करना है? मैं यहीं पे रुकता हूँ। जा, बहुत जल्दी तुझे। अरे क्यों हॉर्न मार रहा है? ठहरा नहीं हूं मैं, जा। अरे पागल है क्या? अरे Oh, my God.
हो सकता है कि कार्तिक की मौत चीते के अटैक की वजह से हुई हो, लेकिन ऑफिसर भूषण की मौत के बारे में जानकर हैरानी होती। तो आपको पता चल गया कि वो एलर्जिक रिएक्शन कैसे और किस चीज से हुआ है? हाँ, ये देखो बॉस, इसकी वजह से हुई। इस पौधे से? हाँ, इस पौधे को डेंड्रोस्नाइड मोराइडिस कहते हैं। इसे डिम्पी डिम्पी ट्री भी कहा जाता है। ये बहुत जहरीला पौधा होता है बॉस। इसके फिजिकल कांटेक्ट में आते ही किसी की भी हालत मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। इसका जहर बहुत तेजी से असर करता है, शरीर पर भी और दिमाग पर भी, फिर चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई जानवर हो। इसके जहर की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। तो बॉस, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऑफिसर भूषण की ऐसी हालत हो गई। उसकी जगह कोई भी होता, कोई भी, उसकी यही हालत होती। हाँ, पर ये भी तो हो सकता है कि ये हादसा हो। यार, ऐसे पौधे तो जंगलों में मिलते ही हैं। बिल्कुल नहीं सर, यह हादसा नहीं, ये जरूर एक साजिश है। क्योंकि ये डिम्पी डिम्पी पौधा ये तो इंडिया में उगता ही नहीं है। ये सिर्फ इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जंगलों में ही पाया जाता है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर किसी खास मकसद के लिए ये डिम्पी डिम्पी पौधा डामरपुर के जंगलों में लाया। अच्छा, तो इसीलिए पंकज पे हमला हुआ है। कोई है जो नहीं चाहता था कि ऑफिसर भूषण का ब्लड सैंपल हम तक पहुंचे और हम उसकी मौत का सही कारण पता लगा सके। अभिजीत, एक काम करो, तुम और पंकज फौरन दया के पास चले जाओ, क्योंकि हो ना हो कोई ना कोई बहुत बड़ा राज छुपा है इस डामरपुर के जंगल में। इसका मतलब है सर, भूषण की मौत एक साजिश है। और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि मेरे दोस्त कार्तिक को भी किसी ने जानबूझकर मारा हो। सर सर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रखूंगा। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ सर। ओके। मेरा शक यकीन में बदल रहा है। इस जंगल में कोई आदमखोर तो है, पर अगर वो चीता नहीं है तो फिर कौन है? अरे सुनिए, ये ऑफिसर भूषण, उनका कमरा कौन सा है? वो सामने वाला सर। ये जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले जहर का असर भूषण के पैरों पर हुआ, फिर वह जहर पूरी बॉडी में फैल गया। ये है वो जहरीले पौधे डिम्पी डिम्पी के पत्ते, जिसकी वजह से भूषण के शरीर में वो एलर्जिक रिएक्शन हुआ और फिर उसकी मौत। अपूर्वी सर, उस आदमखोर चीता को ढूंढने का एक तरीका मिल गया। रिसर्च से पता चला है कि फॉरेस्ट ऑफिसर जंगलों में जानवरों का बिहेवियर और उन्हें ट्रैक करने के लिए रेडियो कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो कॉलर?
सर, बेसिकली ये रेडियो कॉलर्स एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिनकी मदद से हम यहाँ बैठे बैठे इस स्क्रीन पे जंगलों में जानवरों के लोकेशंस और मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। और ये कलर डॉट्स क्या है? ये कलर डॉट्स अलग अलग जानवरों की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन डॉट्स हाथियों के लिए, ब्लू डॉट्स चीता के लिए एंड रेड टाइगर्स के लिए। तो इस रेडियो कॉलर डिवाइस के जरिए उस आदमखोर चीते के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की? सर, सच तो ये है कि पिछले 3 महीने से ये कॉलर एनिमल्स जंगलों से अजीब तरीके से गायब होते जा रहे हैं और अभी हमें सिर्फ उनके रेडियो कॉलर्स जंगलों में मिल रहे हैं। अब क्योंकि ये रेडियो कॉलर्स इन जानवरों से अलग हो चुके हैं, हम उन्हें ट्रैक भी नहीं कर पा रहे। अब हो सकता है कि वो आदमखोर चीता उन्हीं में से एक हो। और सर, इसी अजीब मामले को एक साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ऑफिसर भूषण और ऑफिसर कार्तिक। जंगलों से जानवर गायब हो रहे हैं और वहाँ पे ये कॉलर डिवाइस मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हा? इसका मतलब है जंगलों में जानवरों की तस्करी चल रही है। अब ये बात या तो आप लोगों को मालूम है और जानकर अनजान बन रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर कार्तिक और भूषण की मौत कोई इत्तेफाक नहीं है, हत्या है, हत्या। अब ठीक तो है ना? नहीं सर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सर, मैंने सच का पता कर लिया है। सर, यहाँ इस जंगल में ये जानवर की तस्करी करने वाले काफी एक्टिव है सर, और मुझे लगता है कि भूषण और कार्तिक इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और शायद उसी लिए मारे गए। अच्छा, भूषण की मौत का सामान सर इंडोनेशिया से आया है और ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज इन तस्करियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है सर, तो हो सकता है तस्करियों की फंडिंग इन्हीं देशों से होता हो। तो मैं इस केस के तह तक जाना चाहता हूँ सर। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जल्दबाजी में कोई भी कदम खतरा बन सकता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं, होशियारी से काम लेना। और अभिजीत और पंकज तुम्हारे पास आ रहे हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है सर, आप फिक्र ना करें। थैंक यू। या घर का भेदी लंका ढाए, पता करना होगा इस जंगल का भेदी कौन है। डिम्पी डिम्पी पौधे के जहर का एंटीडोट है तेरे पास? है तो नहीं बॉस, लेकिन बनाया जा सकता है। तो फिर बना फाड़ूंगी, जल्दी बना, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। हेलो, नेशनल बायो सेंटर, आप मेरी टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी से बात करवा सकते हैं? ये रही सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स की रूम की चाबियां। सर, लेकिन अभी तो हमारे सारे ऑफिसर्स डिनर के लिए मेस में गए हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनके कमरों की तलाशी लेना सही नहीं रहेगा। सर, कहीं आप हम फॉरेस्ट ऑफिसर पर शक तो नहीं कर रहे हैं? सच कहूं तो हाँ। फिलहाल आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं सबके कमरों की तलाशी लेके आता हूँ। Made in Indonesia. ये लो। Thank you, sir. सर, आप क्या हम ऑफिसर्स को क्लीन चिट मिल सकती है? आपका शक दूर हुआ कि नहीं हमसे? सर, मैं जरा रेस्टरूम में जाता हूँ, टायर्ड हूँ, जरा आराम करता हूँ। वैसे ये ऑफिसर्स
कितने बजे तक सो जाते हैं? सर यही कोई 10:30-11 बजे। 10:30-11 बजे। गुड नाइट। अचानक गायब कहाँ हो गया? ए, सोचना भी मत। दे, तुम ठीक हो? मिस्टर, तुम मुझे मार ही दिया था। I'm sorry sir, मैंने आपको पहचाना नहीं। देखिए, मैं अपने आप को बचाने के चक्कर में मैंने आप पर हमला कर दिया। I'm very sorry sir। अभिजीत, मुझे तो लगता है यही वो आदमी है जो शिकारियों को जानवरों की इंफॉर्मेशन देता है। और तो और, ऑफिसर कार्तिक और भूषण की मौत के पीछे इसी का हाथ है। क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ही अपने लोगों को क्यों मारूंगा? और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे संबंध है उन शिकारियों के साथ? तो इतनी रात को जंगल में चोरी छुपे कहाँ जा रहे थे? किस बात का डर था? तो कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? जी सर, मुझे ट्रैकिंग सेंटर से कॉल आ गया कि एक राइनोसोरस, एक गेंडा 5 घंटे से एक ही जगह लोकेशन में खड़ा है। ये अजीब बात है सर, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर 5 घंटे तक एक ही जगह चुपचाप खड़ा रह नहीं सकता, अगर वो जिंदा है तो उसी लोकेशन को देखने के लिए, चेक करने के लिए मैं निकल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, तो मुझे लगा हो ना हो वो शिकारी हो, तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में आप पर हमला कर दिया। अच्छा, ठीक है। और इसके बारे में क्या कहना है? ये बियर कैन, इंडोनेशियन बियर कैन, उसी देश का जहाँ से वो जहरीला पौधा डिम्पी डिम्पी लाया गया था, जिसकी वजह से ऑफिसर भूषण की मौत हुई। बियर कैन? देखिए सर, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। एक मिनट, क्या आप लोग मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये बियर कैन हमें तुम्हारे कमरे में डस्टबिन में मिला, समझे? What? आपने मेरे रूम की तलाशी ली, वो भी मेरे गैर मौजूदगी में? हेलो, चुपचाप से हमारे सवाल का जवाब दो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। देखिए सर प्लीज, मैंने पिछले 3 महीने से शराब को हाथ तक नहीं लगाया और आप लोग? अच्छा, तो ये बियर तुम्हारे कमरे में कौन पी रहा था? कोई बाहर का आदमी? यस सर, देखिए क्या है ना, मेरा भाई मेरे साथ रहता है, ओके? तो हो सकता है कि उसकी ये कैन हो, लेकिन सर इससे कुछ भी साबित नहीं होता ना सर। कौन है तुम्हारा भाई और इस वक्त कहाँ है वो? क्या हुआ?
ये लोग यहाँ? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मदद चाहिए थी तुम्हारी। मैं क्या मदद कर सकता हूँ आप लोगों की? कर सकते हो, एक मिनट। ये इस पाउच में से जरा इन पत्तों को बाहर निकालो। गालो? नहीं, कि आप निकालिए ना, मैं क्यों निकालूं? निकाल सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम निकालो इसे। नहीं नहीं, अरे निकालो, ये हाथ डालो और इन पत्तों को। अरे भैया, मैं क्यों निकालूंगा ये पाउच? अरे आप देखो, अगर तुम नहीं निकालोगे तो मुझे जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़ के अंदर लाना पड़ेगा, है ना? अबे निकाल। अरे नहीं नहीं, अरे प्लीज मेरा हाथ छोड़, मैं मर जाऊंगा। अरे मेरा हाथ छोड़, मैं मर जाऊंगा। मेरा हाथ छोड़, नहीं मेरा हाथ छोड़, प्लीज प्लीज प्लीज। अब्राहम, ये वो पत्ते नहीं जो तुम समझ रहे हो। हमें सब पता है, डिम्पी डिम्पी के पत्तों के बारे में भी और जंगल में चल रही तस्करी के बारे में भी। तुम ये बताओ, तुम इसमें कैसे जुड़े हुए हो? अब जल्दी बताओ, नहीं तो असली वाले पत्ते ले आऊंगा। नहीं 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 सर, अरे सर प्लीज सर, पत्ते मत लेंगे सर, मैं बताता हूँ ना सर। सर एक्चुअली मैं वो कॉलेज के एग्जाम में फेल हो गया था। तो अब क्या प्लान है तुम्हारा फ्यूचर का? यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2-3 महीने का ब्रेक ले लेता हूँ, अपने भाई के पास जाता हूँ, ही इज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। फिर मैं वहीं जाके कुछ डिसाइड करूंगा कि मुझे लाइफ में आगे करना क्या है। फिर तुझे ये तो मालूम होगा कि तू कितने पैसे कमा सकता है वहाँ से जहाँ तेरा भाई फॉरेस्ट ऑफिसर है। मतलब मेरे पास एक अच्छा ऑफर है, अगर तू इंटरेस्टेड हो तो। ऑफर? कैसा ऑफर? जानवर मरने के बाद उनकी कीमत और भी बढ़ जाती है, उनका पंजा, उनकी खाल, उनके दांत, तू समझ तो रहा है ना? बाघ, हिरन, हाथी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? देख, तुझे बस हमें इन्फॉर्मेशन देनी है और पैसे कमाने हैं, बाकी हम संभाल लेंगे। इट्स अ गुड डील, गो फॉर इट। मेरे दोस्तों की बातों में आके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उनकी बातों में आने ही नहीं चाहिए था। जवाहर भैया की वजह से मुझे सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स जानते थे और इसी बात का फायदा उठा के मैं आसानी से कंट्रोल रूम में घुस जाता था और वहाँ लगे स्क्रीन के स्नैपशॉट्स में चोरी छुपे निकालता था और वही स्नैपशॉट्स में उन तस्करों को फॉरवर्ड करता था सर। और उसी स्नैपशॉट की वजह से तस्कर सारे जानवरों के लोकेशंस को ट्रैक करते थे जंगल में। विकी, भाया, भाया। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। शर्मानी चाहिए तुम्हें, इतनी छोटी सी उम्र में इतना गंदा काम करते हो तुम। चंद पैसों के लिए बेचारे बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ा दी तुमने। कुछ पैसों के लिए तुमने फॉरेस्ट ऑफिसर भूषण को इतनी दर्दनाक मार दी। नहीं सर, सर मैंने जानबूझ के भूषण भैया को नहीं मारा सर। एक्चुअली भूषण भैया और कार्तिक भैया को इस तस्कर के बारे में मालूम पड़ गया था और उन तस्करों ने मुझे वो डिम्पी डिम्पी पौधों के पत्ते भूषण भैया के जूतों में डालने के लिए कहे सर। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था सर कि ये डिम्पी डिम्पी पौधों के पत्ते इतने खतरनाक है सर। सर मुझे तब नहीं मालूम था कि भूषण भैया की इतनी दर्दनाक मौत होगी। उन्होंने तो मुझे बोला था कि उनको बस मामूली सा दर्द होगा सर। अच्छा, उन तस्करों से तुम मिले हो आमने सामने? जी सर, जंगल में एक खास जगह पे हम लोग मिलते हैं सर और वहीं पे हम सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। इन्फॉर्मेशन के बदले सर वो लोग मुझे ढेर सारा पैसा और विदेशी बियर भी देते हैं सर। हाँ, हमने देखी तुम्हारी विलायती बियर। अच्छा, अब उन तस्करों से दोबारा कब मिलने वाले हो तुम? कल सवेरे सर। और कल तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन ये बात उनको पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं सर। इस बार तुम पर विश्वास कर सकते हैं ना? जी सर। हाँ,
सर, ऑफिसर कार्तिक की मौत हादसे के वक्त ही हो गई थी और इस बात का आपकी तरह हमें भी बहुत दुख है। समर, तुम मुझे तुम्हें पहले ही समझ लेना चाहिए था। समर ने हमारी बहुत मदद की जानवरों की चोरी करने में और उनका शिकार करने में। क्या बात है विक्की, बहुत बढ़िया, थैंक्स। बिल्कुल सही जगह पर लाया इसे। बहुत देर कर दी ऑफिसर पहचानने में और दिमाग लगाने में। जा। क्या? क्या हुआ? बिल्कुल ठीक नहीं है वो, बिल्कुल ठीक नहीं है। जिन जहरीले पत्तों ने फॉरेस्ट ऑफिसर भूषण की जान ली थी, अब वही जहरीले पत्ते इसकी भी जान लेंगे। ये तो लग रहा कि सीआईडी ऑफिसर्स बड़े चालाक होते, लेकिन तुम तो बड़े बेवकूफ निकले यार। बाहर क्या कर रहे हो जवाहर तुम? सॉरी ऑफिसर, विक्की मेरा छोटा भाई है और मैं अपने फर्ज से भी ज्यादा उसे प्यार करता हूँ, तो तुम लोगों का साथ कैसे दे सकता हूँ मैं? बिना ये क्या हो रहा है? ये स्टोरी का क्लाइमैक्स हो रहा है। बिना ये तुम क्या कर रहे हो? अरे हमने तुम्हें सीआईडी के बारे में सब कुछ बताया था ना, और तुम हमें ही मानना चाहते हो? मैं जेल में पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने हमें ही धोखा दिया। विक्की 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 विक्की, धोखे का दूसरा नाम ही तो बिल्ला है। और वैसे भी अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं रहे। अरे जवाहर, ये तो पहले ही अपने फर्ज से गद्दारी कर चुका है, और ये सीआईडी ऑफिसर्स, ये तो कत्तारों और गुनेगारों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए आज हम एक छोटा सा खेल खेलेंगे, मौत का खेल। मौत का खेल। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा एक डाउट क्लियर कर देता हूं। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे दोस्त कार्तिक को किसने मारा? उसे एक आदमखोर चीता ने मारा। और जानते हो वो आदमखोर चीता था कौन? मैं था, मैं। अब जानते हो कल सुबह की हेडलाइन क्या होगी? सीआईडी ऑफिसर अभिजीत इन जंगलों में कहीं खो गए, और सीआईडी ऑफिसर दया एक आदमखोर चीते के हमले से मारे गए। रुक जा, तुम ठीक नहीं कर रहे हो बिल्ला। रुक जाओ। कितने टाइम से शिकार कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए जानवर जब घायल हो जाता है तो और भी खतरनाक हो जाता है। बहुत लोगों पे तुमने ये टिम्पी टिम्पी पौधा इस्तेमाल किया है ना, हाँ? अब तू भी इसका स्वाद चखले। चखले कैसा लग रहा? हाँ?
फिक्र मत करो दया, डॉक्टर सालुंके ने इन जहरीले पत्तों का एंटीडोट पहले ही ढूंढ लिया है। मुझे दुख इस बात का है कि काश कार्तिक ने मुझे पहले फोन किया होता यार। क्या चक्कर है, ये लाल बिंदु बार बार मूव क्यों कर रहा है? ये लाल बिंदु कहां गायब हो गया? जो भी है मेरी तरफ ही आ रहा है। हेलो सीआईडी ब्यूरो। मैडम मेरे दोस्त की मदद कीजिए, उसकी जान खतरे में है। जान खतरे में? क्या हुआ आपके दोस्त को? मैडम शशांक कल रात से गायब है, उसका कुछ भी अता पता नहीं है। आपने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई? उससे कुछ नहीं होने वाला है मैडम, उसका कोई फायदा नहीं। मुझे पता है उसको कुछ हो गया है। कल रात को वो मुंबई के किसी सुंदर नगर इलाके में फॉक्स हंटिंग के लिए गया था। क्या मुंबई में लोमड़ियों का शिकार? hey, सुनो सुनो, अगर तुम सीआईडी के साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। 2 मिनट लगेगा तुम्हारा लोकेशन ट्रैक करने में और गिरफ्तार करने में। मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, सचमुच में उसकी जान को खतरा है। आप प्लीज जाइए उसको ढूंढिए। नाम पूछिए उसका। आप बोल कौन रहे? सर मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव ये फॉक्स हंटिंग ये क्या है? सर मैं आपको वो सब डिटेल में बताऊंगा, पर इससे पहले कुछ हो ना जाए आप प्लीज सुंदरनगर जाइए उसको ढूंढिए। राजीव सुनो, राजीव हेलो, सर 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 एक मिनट, वो गाड़ी पीछे बिल्डिंग में है सर। तो शशांक की गाड़ी का नंबर तो यही है। अगर ये शशांक की गाड़ी है तो फिर शशांक भी यहीं पर होना चाहिए। तो राजू का डर सही निकला, उसे पता था कि शशांक की जान को खतरा है। इसका मतलब राजू जानता होगा कि कौन शशांक की जान के पीछे पड़ा है। तो भी तो राजू को फोन करो। दो गोलियों के शेल 0.38 कैलिबर। सर
सर, ये राजीव फोन नहीं उठा रहा है। सर, कहीं सर राजीव की जान को भी खतरा तो नहीं है? सर, सर एक बात समझ में नहीं आ रही सर, शहर के इस इलाके में कोई लोमड़ियों का शिकार करने क्यों आएगा? शिकारी खुद शिकार हो गया, मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी लोमड़ी नजर नहीं आ रही है। रेडी पंकज, चुप रहो। ये फॉक्स हंटिंग सीक्रेट कोड है और इसका राज सिर्फ राजीव ही बता सकता है। राजीव के घर जाके पता लगाना पड़ेगा। सर राजीव है सर, इसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हमें फोन किया था और किसी ने इसी को मार दिया। और सर मारा भी शायद उसी गन से। ये देखिए 0.380 की बुलेट शेल्स, ठीक वैसे ही जैसे शशांक की बॉडी के पास में। ये कोई आपसे दुश्मनी का केस लगता है, किसी की राजीव और शशांक से कोई गहरी दुश्मनी होगी। खूनी तक पहुंचने के लिए सुराग हमें इस घर से ही मिलेगा। सर यहाँ तो बहुत सारे पजल के बुक्स और गेम्स हैं। सर डेस्कटॉप पे भी बहुत सारे पजल गेम्स हैं। लगता है इस राजीव को पहेलियां सुलझाने का बहुत शौक था। ये देखो उसके इस लैपटॉप पे ये पजल गेम का वेबसाइट खुला हुआ है। लेकिन सर इस पजल वाली वेबसाइट में है क्या? पूर्वी, लगता है ये वेबसाइट एक ग्रुप की तरह है, ये पजल प्रेमियों का ग्रुप। इस वेबसाइट पे जितने भी मेंबर्स हैं ये सब पहेलियों के शौकीन हैं। ये देखो यहाँ पे ये पहेलियों के पिक्चर्स डाल रखे हैं और यहाँ पे ये अलग अलग तरह के पहेलियों के खेल के बारे में बात हो रही है। ये क्या, ये शशांक भी इस वेबसाइट का मेंबर था? अरे हाँ सर, लेकिन ज्यादा पुराना मेंबर नहीं था, इसने पिछले महीने ही वेबसाइट ज्वाइन की। सर इसका मतलब वो फॉक्स हंटिंग भी एक पहेली है जिसे सुलझा के ही हमें वो खूनी मिलेगा। हाँ पंकज, लगता है कि फॉक्स हंटिंग की अगली कड़ी हमें इस शशांक के घर पे ही मिलेगी। ताला लगा हुआ है दरवाजे पे, लगता है शशांक यहाँ अकेला ही रहता है। कमाल है, आज तो शशांक के यहाँ बहुत मेहमान आ रहे हैं। नमस्ते जी। कौन? विकास तुम हो क्या? मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, मैं इंस्पेक्टर दया CID से। CID वाले दया? अरे तुम्हारा तो बहुत नाम सुना है, बहुत कहानियां सुनी है तुम्हारी, शाबाश, ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहो। थैंक यू। हम लोग यहाँ शशांक जी से मिलने आए थे। शशांक? हाँ। क्या हुआ शशांक? नहीं, कुछ हुआ नहीं उसे। कोई और भी आया था शशांक के घर पे? हाँ, 20-25 मिनट पहले कोई आया तो था। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स,
ये सब देखकर तो लगता है कि शशांक एक इंजीनियर था, किसी खास तरह के गैजेट के आविष्कार की कोशिश में लगा था ये। हाँ सर, यहाँ पर तो इतने सारे सर्किट बोर्ड्स और ये शॉर्ट वेव रेडियो भी है, ये देखिए। इस जगह पे सामान सब जिस तरह से बिखरा हुआ है, ऐसा लगता है कि यहाँ हमसे पहले कोई आया था इस कमरे की तलाशी के लिए। लगता है वो किसी खास चीज की तलाशी के लिए आया था। सर, कहीं वो आदमी तो नहीं जिसके बारे में वो बता रहे थे कि हमसे पहले आया था? सर, कहीं इस घर की चाबी तो नहीं है उसके पास? हो सकता है खूनी के पास शशांक के घर की चाबी हो सकती है, मुमकिन है। पर अहम सवाल ये है कि वो यहाँ ढूंढने क्या आया था, और जो चीज वो ढूंढने के लिए आया था वो उसे मिला है या नहीं। लेकिन सर, यहाँ पर तो इतना सारा सामान है, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सामान गायब हुआ भी है या नहीं? पूरे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि राजीव और शशांक की दोस्ती कितनी गहरी थी, और ऐसे किस चीज में ये लोग फंसे थे जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। सर, राजीव और शशांक की तो मौत हो चुकी, हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी? पता चलेगा पजल वाली वेबसाइट के बाकी के मेंबर से पता चलेगा। मतलब कभी तुम लोग, तुम रोनी, आशीष और प्रकाश, शशांक और राजीव के साथ वेबसाइट पर रेगुलरली बातें करते थे? जी सिम सर। क्या तुम लोगों को किसी पर शक है कि उसने इन दोनों का खून किया? मालूम नहीं सर। अच्छा, ये तो मालूम होगा ये फॉक्स हंटिंग क्या है। सर, आपको फॉक्स हंटिंग के बारे में कैसे पता? जाहिर सी बात है, ये लोमड़ी का शिकार तो हो नहीं सकता। असली बात क्या है ये बताओ। सर, मतलब समझाना इतना आसान नहीं है, ये एक लंबी कहानी है। शुरू करो कहानी। सर, कुछ एक महीने पहले ही शशांक हमारी वेबसाइट का मेंबर बना था, पर उसे हमारी तरफ पहेलियों का शौक नहीं था। तो फिर? सर, दरअसल उसे अलग अलग तरह के गैजेट्स का शौक था, और वो ये दावा करता था कि हमारे सामने एक ऐसी पहेली रखेगा जिसे हम कभी सुलझा नहीं पाएंगे। अच्छा, तो क्या थी वो पहेली? सर, उसने खुद का एक शॉर्ट वेव रेडियो बनाया था, और अलग अलग तरह के स्टेशन को चेक करते करते वो एक खास तरह के स्टेशन पर पहुंचा, जिस स्टेशन का नाम था नंबर स्टेशन। नंबर स्टेशन, ये इसका नाम तो कभी सुना नहीं। अच्छा, इस पे नए गाने आते हैं कि पुराने गाने आते हैं? अजीब बात तो यही थी सर, उस स्टेशन पर कोई गाने आते ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ नंबर आते थे सर। ये कैसा रेडियो स्टेशन है जहाँ पे सिर्फ नंबर्स आते हैं? सर, नंबर भी हर वक्त नहीं आया करते थे, उनके आने का भी खास दिन और खास वक्त हुआ करता था। सर, लगता है नंबर्स के बहाने कोई किसी को खास मैसेज दे रहा है, सीक्रेट मैसेज। शशांक ने उनके कई ब्रॉडकास्ट सीजन रिकॉर्ड किए थे, और हम लोगों से कहा था कि हम उन नंबरों के तोड़ निकालें ताकि पता चल सके क्या गुप्त संदेश भेजे जा रहे हैं। तो क्या तोड़ निकाला इन नंबर्स का? नहीं सर, उनका तो सर हम तोड़ नहीं निकाल पाए, मगर राजीव ने कुछ दिन पहले बताया था कि उसे इस वेबसाइट के नंबर्स का राज पता चल गया है। तो क्या राज था उन नंबर्स का? सर, वो तो राजीव ने कभी हमें बताया नहीं सर। हाँ, पर बाद में राजीव और शशांक इस बारे में अकेले में बात करने लगे थे सर। देखो, हम फॉक्स हंटिंग की बात कर रहे थे, वो बताओ। फॉक्स हंटिंग ट्रांसमीटर हंटिंग का ही दूसरा नाम है। ट्रांसमीटर हंटिंग, जब कोई एक खास तकनीक से रेडियो ट्रांसमीटर के लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करता है तो उसे हमारी भाषा में फॉक्स हंटिंग बोलते हैं। मतलब शशांक जरूर इस नंबर स्टेशन की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा, और कोई तो था जो नहीं चाहता था कि शशांक वो रेडियो स्टेशन पहुंचे, इसलिए उसने उसे मार दिया। आशीष, इन नंबर्स की रिकॉर्डिंग चाहिए हमें, सारी की सारी। ये है हमारी सीआईडी टीम, ये इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर सर, देश के सबसे जाबाज ऑफिसर्स को कौन नहीं जानता है? ये लोकेश है, लिंग्विस्टिक्स और मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट, भाषा और संख्याओं का इतना ज्ञान है इनके पास जो शायद ही और किसी के पास हो। तो लोकेश जी, क्या लगता है आपको, ये मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में कोई नंबर स्टेशन का इस्तेमाल क्यों करेगा संदेश भेजने के लिए? अभिजीत, ये नंबर स्टेशन का इस्तेमाल बहुत पुराना है। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कई देश की सेनाएं ये तकनीक यूज करती थी अपने उन एजेंट्स तक पहुंचने के लिए जो दूसरे देशों में थे। हाँ, मानते हैं कि इस वक्त मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, पर मोबाइल इंटरनेट से दिए गए मैसेजेस बहुत आसानी से ट्रेस हो सकते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए तो ये वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला। अब लोकेश, पता ये लगाना है कि इन संख्याओं के पीछे असली मैसेज क्या है। श्योर सर। वैसे ये मैसेजेस कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आए थे? 3.22 नैनोहर्ट्ज।
सर, इस रेडियो स्टेशन से तो कोई नंबर वंबर नहीं आ रहा है। आई एम नॉट सरप्राइज। आई एम श्योर मुजरिम को पता चल गया होगा कि केस अब सीआईडी के हाथ में है, इसलिए उसने अपना मैसेज देने का तरीका या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज की होगी। तो नया चैनल ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? बहुत मुश्किल है दया। एक नया चैनल ढूंढना मतलब रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है। महीनों या तो सालों भी लग सकता है। नहीं नहीं लोकेश, हमारे पास वक्त भी नहीं है उतना। एक काम करते हैं, पुराने रिकॉर्डेड मैसेजेस सुनते हैं। लोकेश जी, ये मैसेजेस हफ्ते में 4 बार भेजे जाते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे को। ये मैसेज सबसे पहले हफ्ते के सोमवार को ब्रॉडकास्ट हुआ था उस नंबर स्टेशन पे। 9 2 3 4 0 5 6 7 2 7 1 1 5 2 1 8 0 7 Now please tell me, ये संदेश चारों दिन एक ही समय पर आए थे कि अलग अलग टाइम पर? नहीं नहीं, एक ही टाइम पे, रात 12 बजे। और फिर हर 2 घंटे बाद इन नंबर्स को रिपीट किया गया था। और इसके अगले हफ्ते के नंबर्स यही थे या दे वर डिफरेंट? नंबर्स तो अलग थे, लेकिन पैटर्न सेम था। मंडे को 13 नंबर्स, ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे को 6 नंबर। इससे साफ जाहिर होता है कि जो मुजरिम है रोज अलग अलग मैसेज भेजते हैं। और ये जो मैसेज ये लोग भेजते हैं वो एक मैसेज 4 हिस्सों में कर भेजते हैं। लोकेश जी, एक मिनट प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप फिर से समझाइए। मैं समझाता हूँ, तेरा पेपर देना था। मान लो ये पूरा कागज एक मैसेज है, एक, इसके हम 4 हिस्से करेंगे। अब इस एक कागज के 4 टुकड़े हो गए, 4 हिस्से, मतलब एक मैसेज के 4 हिस्से हो गए, है ना? ये देखो, ये रहा मंडे का, ये रहा ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये थर्सडे। तब ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये 4 हिस्से जब एक होते तो एक पूरा मैसेज उनको मिलता था, है ना लोकेश? अभी नंबर्स को देखकर क्या लगता है तुम्हें, क्या मतलब है उसका? सर, ये नंबर्स के पीछे छुपा राज जानने के लिए मुझे 1 टाइम पैड की जरूरत पड़ेगी। 1 टाइम पैड, ये क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेक्निक World War II में यूज होती थी। उस वक्त हर एक देश अपने स्पाइस को एक 1 टाइम पैड देता था, जिससे वो जो कोड्स हैं उनको डिसाइफर कर सके, जो सूचना है उसका मतलब निकाल सके। इसे कहते हैं 1 टाइम पैड। तो राजीव और शशांक के हाथ भी ये 1 टाइम पैड लग गया होगा, इसीलिए वो एक ऐसी पहेली तक पहुंच गए जो उनके लिए जानलेवा साबित हुई। ठीक है, इस राजीव और शशांक के घर जाके पता लगाना पड़ेगा इस 1 टाइम पैड के बारे में। हेलो अभिजीत सर, यहाँ पर तो कोई कागज नहीं है, आपको कोई कागज मिला? हम लोग शशांक के घर में ही हैं, देख रहे हैं। कौन है शशांक? कौन है यहाँ? आप आइए, आइए। पहचाना? इंस्पेक्टर दया। अच्छा, सीआईडी वाले दया। आप यहाँ कुछ काम थे? हाँ, वो शशांक मेरी इलेक्ट्रिक केतली लेकर आया था कुछ दिनों के लिए।
वही लेने के लिए आया था। पंकज सर देखो वहां पे कोई इलेक्ट्रिक कैटल है क्या? सर ये इलेक्ट्रिक कैटल तो शशांक की है, इंटरनेट से मंगाई उसने, ये बिल है साथ में। नहीं नहीं ये इलेक्ट्रिक केतली मेरी ही है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये केटल तो शशांक ने खरीदा था। नहीं नहीं दया मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, तुम्हारा ये ऑफिसर या तो झूठ बोल रहा है और या मेरी तरह अंधा हो चुका है। अरे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, मुझे दिखाई देता है और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे बिल्स है, ये इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ये सर्किट बोर्ड और ये किताबों का बिल। क्या कहा, शशांक ने किताबें खरीदी? एक और झूठ। अरे नो झूठ, ये मेरे हाथ में बिल्स है। शशांक किताबें खरीद ही नहीं सकता। एक मिनट आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया? हाँ डिसलेक्सिया। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता, किताबें खरीदना तो बहुत दूर की बात है। पंकज वो किताबें कहाँ हैं? सर किताबें तो नहीं है, ये खाली डब्बा है। इसका मतलब है खूनी यहाँ किताबें ढूंढने आया था, तो वो किताबें ही वन टाइम पैड है जिसकी हमें तलाश है। ये कितनी किताबें? चार हफ्ते के लिए चार किताबें। कौन कौन सी बुक्स है? तो ये है वो चार किताबें जो शशांक के लिए ओटीपी का काम कर रही थी। बाय बाय सन, हाई लाइक अ काइट, द ग्रेट साइबर हाइट, स्टोन एज। और इन्हीं किताबों में वो मैसेजेस भी छुपे हैं जो मुजरिम एक दूसरे को भेज रहे थे। सर सोमवार को ये लोग 13 नंबर्स भेजते हैं, यानी इन 13 नंबर्स का मतलब इन किताबों से मालूम पड़ेगा। मालूम पड़ेगा नहीं पूर्वी, मालूम पड़ गया समझ लो। देखो जैसे इंसानों की उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, किसी के भी एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हर किताब का अपना एक ISBN नंबर होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। वो दो किताबों का एक जैसा हो ही नहीं सकता। और ISBN नंबर 13 डिजिट का होता है। किताब के पीछे ये बारकोड देख रहे हो, इसके नीचे लिखा हुआ है, इसे किताब का बारकोड भी कह सकते हैं। वैसे ये नंबर दूसरे तीसरे पेज पे भी लिखा रहता है, ISBN नंबर। सर मतलब इन ISBN नंबर्स को इंटरनेट पे सर्च करके मुजरिम को सबसे पहले ये पता लगता है कि किताब कौन सी खरीदनी है। Exactly. और फिर उस किताब के ISBN नंबर से वो लोग अपना सीक्रेट मैसेज ढूंढ लेते हैं। तो जो पहले सोमवार को ISBN नंबर भेजा गया था सर, वो है ये 1942345709352। जरा चेक करो इन चारों किताबों में से ये ISBN नंबर किसका है। सर ये ISBN नंबर बाय बाय सन से मैच होता है। Yes. अरे वाह सर ये तो बहुत आसान है, इसे तो कोई भी समझ सकता है। Exactly. इसी तरह हफ्ते के बाकी 3 नंबर भी डीकोड किए जा सकते हैं। मतलब मंडे के दिन का तो उनको सीक्रेट मैसेज का पता चल ही गया, लेकिन बाकी 3 दिनों में किताब के पेज नंबर से, लाइन नंबर से और वर्ड नंबर से उन्हें मैसेज पता चल जाता है। सर ये ट्यूसडे को आया मैसेज 923405 92, पेज नंबर 34, लाइन 05, वर्ड मतलब 92 नंबर पेज पे 34 लाइन 5वां वर्ड। ठीक उसी तरह से हर हफ्ते एक नई किताब और एक नया संदेश। पहले हफ्ते का क्या मैसेज है? सर इस बाय बाय सन किताब से जो पहले हफ्ते का मैसेज है वो है किडनैप मनी बैग्स जूनियर। किडनैप मनी बैग
सर, दूसरे हफ्ते आया था। ये किताब का नाम है द ग्रेट साइबर हाइस्ट। इसका मंगलवार को आया था सर, रैंसमवेयर। और वेडनेसडे को अटैक। और थर्सडे को आखिरी मैसेज आया था ट्रिंग 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 ट्रिंग। और तीसरे हफ्ते की किताब है सर हाई लाइक अ काइट। हाई लाइक अ काइट। और इसका संदेश है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट जी सर। बीच बीच साउथ साउथ बीच। सर ये जो चौथी किताब है इस हफ्ते की किताब द स्टोन एज, इसका मैसेज जो है ट्यूजडे के लिए ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट। वेनसडे का है गोज। बस इतना ही है सर, इट्स इनकम्प्लीट। आज गुरुवार है सर, ये अधूरा संदेश आज रात पूरा किया जाएगा। हाँ अभिजीत, अब तक जितना भी मैसेज आया है हमारे पास अच्छी तरह से स्टडी करके देखना पड़ेगा ये क्या खिचड़ी पक रही है। सर ये पहला मैसेज किडनैप मनी बैग जूनियर, ऐसा लगता है ये मैसेज अजिंक्य जी के लिए। अजिंक्य के लिए ही है दया, क्योंकि अजिंक्य सबसे बड़ा फाइनेंसर है फिल्मों का और उसका निकनेम भी मनी बैग है। किडनैप मनी बैग जूनियर, शायद कोई अजिंक्य के बेटे को किडनैप करना चाहता है। जूनियर? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अभिजीत। फिर अगला मैसेज है रैंसमवेयर अटैक ड्रिंक ड्रिंक। यार ये ड्रिंक ड्रिंक तो हमारी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, कहीं ऐसा तो नहीं ये गैंग इस कंपनी पर रैंसमवेयर अटैक करने वाली है। सर ये रैंसमवेयर अटैक मतलब? अरे यार कोई ड्रिंक ड्रिंक कंपनी के डेटा और सर्वर को हैक करना चाहता है और हैक करने के बाद फ्री करवाने के लिए वो लोग ड्रिंक ड्रिंक कंपनी से रैंसम लेंगे। ओ तो इसे कहते हैं रैंसमवेयर अटैक। मगर सर ऐसे कोई न्यूज़ तो आई नहीं है कि ड्रिंक ड्रिंक कंपनी पे ऐसा कोई साइबर अटैक हुआ हो। सर मेरे पास भी ये ड्रिंक का ही सिम कार्ड है, लेकिन कनेक्टिविटी का तो कोई इशू ही नहीं है। और सर तीसरा मैसेज है कंसाइनमेंट साउथ बीच, ऐसा लगता है कि साउथ बीच में कोई गैर कानूनी कंसाइनमेंट आ चुका है या फिर आने वाला है। ब्लैक फॉरेस्ट गोल्ड। अभिजीत दया, इस गैंग का असली गेम क्या है आज रात को 12 बजे से पहले पता लगाना पड़ेगा। और रात के 12 बजे जो नंबर ब्रॉडकास्ट होने वाला है उसे ब्रॉडकास्ट होने नहीं देना चाहिए। दया काम करो, इस अजिंक्य के घर जाओ और पता लगाओ उसका बच्चा ठीक है क्या। अभिजीत ड्रिंक ड्रिंक कंपनी में जाकर उन्हें अलर्ट करो, कहो कि उन पर शायद साइबर अटैक होने वाला है, रैंसम अटैक। और पंकज साउथ बीच जाओ और देखो कोई कंसाइनमेंट आया है क्या या फिर कोई कंसाइनमेंट आने वाला है क्या, पूरा पता लगाओ। सर जा। मैं कहाँ जाऊँ सर? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तीनों यहीं पर रुकेंगे ये पता लगाने के लिए कि इस गैंग को कैसे पता चला कि शशांक और राजीव ने उनके सारे मैसेजेस डीकोड कैसे किए। पर्सनल फाइल्स आर एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड सर, क्या चाहिए सर, किसे मिलना है आपको? फिलहाल सबसे सीनियर कौन है इस ऑफिस में? सर सभी सीनियर्स यहीं पे हैं, सीईओ और कंपनी के मालिक भी यहीं पे हैं, बट अभी वो लोग एक अर्जेंट मीटिंग में बिजी है। कहाँ चल रही मीटिंग? देखिए अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। कहाँ चल रही मीटिंग? सर वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम में। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इस अटैक की, मीडिया वालों को तो बिल्कुल नहीं, नहीं तो मार्केट में हमारा नाम खराब हो जाएगा। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? थैंक यू। जिसका डर था वही हुआ, गैंग कामयाब हो गया इस अटैक में। हेलो दया, अब देखते हैं
शशांक के बाद और कौन कौन से लोग इस वेबसाइट के मेंबर बने हैं, जो इनमें से कोई एक है जिसने शशांक के बारे में अपनी गैंग को पूरी इंफॉर्मेशन दी है। सर, शशांक के साथ दो लोग जुड़े इस वेबसाइट से, कवि और रोनी। कवि और रोनी, इनकी डिटेल है क्या? देखो सर, ये कवि थाने में रहता है और इसकी किताबों की एक दुकान है। कवि की किताबों की दुकान है, तो फिर उसके लिए ISBN नंबर, मेरा मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर का इंतजाम करना तो बाएं हाथ का खेल है। और ये रोनी, वो क्या करता है? सर, रोनी पुणे के कॉल सेंटर में काम करता है। जरूर इन दोनों में से कोई एक है जो शशांक और राजीव की मौत का जिम्मेदार है, और वही अपनी गैंग की नई रेडियो फ्रीक्वेंसी भी जानता होगा। सर, अगर हमें इस गैंग की नई रेडियो फ्रीक्वेंसी का पता चल जाए तो एक पावरफुल ट्रांसमीटर से हम उनकी लोकेशन भी जान सकते हैं। लोकेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी का बंदोबस्त हो जाएगा, मगर ये पावरफुल ट्रांसमीटर का क्या? सर, मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, मैं उनसे बात करके हमारे लिए एक ट्रांसमीटर बनवा सकता हूँ। ग्रेट, तो फिर बनवा था। और फ्रेडी, दयाल को फोन करके पूछो अजिंक्य के बारे में क्या पता चला है। आप कॉफी लेंगे? नो थैंक्स। वैसे ये आपके घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी हमेशा रहती है या आज कुछ खास बात है? हाँ, ये सिक्योरिटी हमेशा रहती है, आप तो जानते ही हैं फैन लोगों को कितनी बार ये घर के अंदर घुस आते हैं। क्या नहीं, एक्ट्रेस के घर के बाहर फैन की भीड़ तो सुनी थी मैंने, मगर एक फाइनेंसर पहली बार सुन रहा हूँ। आपने यहाँ आने की वजह नहीं बताई? अरे हाँ, वो मैं आपके बेटे अजीत से मिलने आया। अजीत से? मगर क्यों? क्या उससे कोई गुनाह हो गया है? नहीं, बस एक रूटीन इंक्वायरी है। मतलब? सॉरी, मैं वो आपको नहीं बता सकता, मैं अजीत को बताऊंगा। अजीत की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत खराब है या वो किडनैप हो गया? किडनैप? व्हाट नॉनसेंस। देखिए अजिंक्य जी, उन अपराधियों के दबाव में आके आप CID से झूठ मत बोलिए। हमें खबर मिली है कि एक गैंग है जो आपके बेटे अजीत को किडनैप करना चाहती है। अजीत कहाँ है इस वक्त? वो घर पे ही है। मैं उसे देखना चाहता हूँ अभी। रामो, अब तो तसल्ली हो गई। मैंने आपसे कहा था ना, मेरा बेटा घर पर ही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ बेटा, कमरे में जाके आराम करो। एक मिनट। जरा कैप निकालना। मत उतारना टोपी। क्यों नहीं? क्या कहा मैंने? क्या बता रहा हूं? चलो। नहीं सुना, नहीं क्या बोला? तो तुम्हारे कान को क्या हुआ? क्या हुआ क्या ये? आपको इसकी जो किडनैपिंग की खबर मिली है वो बिल्कुल सच है, मगर अफसोस बहुत देर के बाद मिली। इसका किडनैप तो 3 हफ्ते पहले ही हो चुका था। 100 करोड़ रुपए देने पड़े मुझे उस किडनैपर को, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। और उन लोगों ने चोट पहुंचाई इसे? उन्होंने पहले ही इसका एक कान काटकर मुझे भेज दिया था और फोन करके कहा कि अगर मैं पुलिस को कुछ भी बताऊंगा तो मेरे बेटे की जान ले सकते हैं वो लोग। I'm so sorry. आपके बेटे के साथ जो हुआ वो तो हम बदल नहीं सकते, पर मैं आपसे वादा करता हूँ उन मुजरिमों ने जो किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना। अगर उनको पता चला कि मैंने CID को सब कुछ बता दिया तो मेरे बेटे की जान भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था। क्या गारंटी है कि ये सब करने के बाद वो किसी और मासूम के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे? कंसाइनमेंट आ चुका है और डीलिंग हो चुकी, फिर तो कोई सुराग मिलना चाहिए यहाँ पर। ये निशान कैसा? इन्हें देख के तो लगता है जैसे कि कोई बहुत भारी सामान या डब्बा घसीटा गया है। और कोई सामान तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, शायद कंसाइनमेंट ही होगा।
आपके पास तो काफी अच्छा कलेक्शन है किताबों का मिस्टर कवि। आप लोग यहाँ मुझे बुला लिया होता मैं भी और आ जाता। हम लोग वीडियो चैट भी कर सकते थे फिर से। लगता है आपको हमारे यहाँ पर आना पसंद नहीं है। जी नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या लेंगे आप लोग, चाय या ठंडा? चाय ठंडा तो बाद में ले लेंगे, फिलहाल तो हम लोग किताबें लेने आए हैं। मिलेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलिए कौन सी किताब चाहिए आपको। हमें चार किताबें चाहिए, बाय बाय सन, द ग्रेट साइबर हाइस्ट, हाई लाइक अ काइट और स्टोन एज। क्या हुआ, किताबों का नाम सुन के नानी याद आ गई? अरे कोई अपने दुकान से इस तरह भागता है भला? मैडम वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं मैडम, वो मुझे मार देंगे। अगर सच नहीं बोलोगे तो फांसी पे चढ़ोगे, शशांक और राजीव के खून के जरूर। नहीं मैंने मैंने उनका खून नहीं किया, मुझे तो बस उन पर नजर रखने के लिए कहा गया था। किसने कहा था नजर रखने के लिए? कवि रुक जा। कवि कवि 6.21 nanohertz। क्या? लेकिन कवि 6.21 nanohertz। अब इससे पहले कि इस हफ्ते का आखिरी संदेश वो लोग भेजे और एक जुर्म करें, हमें इस गैंग को रोकना होगा। और सर जितने भी जुर्म इस गैंग ने किए हैं सब के सब वीकेंड में किए हैं, शुक्रवार शनिवार रविवार। हाँ मतलब गुरुवार के दिन आखिरी संदेश आ जाएगा और फिर फ्राइडे और सैटरडे शुक्रवार और शनिचार के दिन वो लोग जुर्म कर देंगे। और सर जुर्म सिर्फ एक तरीके का नहीं है, अलग अलग तरह का, ये किडनैपिंग, साइबर एक्सटॉर्शन। सर सर फॉरेंसिक लैब से आ रहा हूँ, डॉक्टर सालुंके को रेत से कोकेन की ट्रेसेस मिले सर। माय गॉड, देश में ड्रग स्मगलिंग चल रही, न जाने किन किन गुनाहों से जुड़ी हुई है ये गैंग। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें इस गैंग को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। सर ट्रांसमीटर 6.21 nanohertz, राइट? 6.21 nanohertz, तो हम इस गैंग के रेडियो फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकते हैं। अब आएगा मजा, अब हम फॉक्स हंटिंग करेंगे। बस बस सर यही सिग्नल दिखा रहा है सर, बस ये रेड डॉट मिल जाए। देखो रेड डॉट कहां पे है, सर 12 बज रहे हैं, ये ब्रॉडकास्ट किसी भी वक्त हो सकता है, मैसेज मिस नहीं होना चाहिए। हाँ किधर है सर? एक मिनट सर, सर हाँ एक मिनट सर, इधर है, इधर है सर। 9 2 2 3 0 9 Oh no, इसने तो अपने आप को गोली मार ली। आई गैंग का लोगो, इस गैंग से तो हमारा सामना पहले भी हो चुका है। कौन है तुम्हारा बॉस और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे धंधे में? इसका जवाब आप मेरे मुंह से कभी सुन नहीं पाओगे सिटी साहब। इस गैंग में काम करने वाले अपने बॉस का नाम बताने के बजाय आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये तो गया, लेकिन अगला जुर्म होने से रोकना होगा। वो क्या नंबर है उसका, देखो मैसेज का क्या मतलब है, 92 नंबर पेज 2309, 23 नंबर लाइन कबूम। कबूम? कबूम क्या होता है सर? कबूम मतलब धमाका। धमाका मतलब कि कोई बम ब्लास्ट होने वाला है। पहले जो शब्द मिले थे हमें मैसेज से वो थे द स्टोन एज, ब्लैक फॉरेस्ट, गोस, और अब कबूम, ब्लैक फॉरेस्ट में धमाका। इसके पहले कि और मासूम लोगों की जाने जाएं, पता लगाना होगा ये धमाका कब और कहां होने वाला है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.